तो हरियाणा चुनाव में कुछ दिन शेष हैं, जिसको लेकर अचुआना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। इसी कड़ी में अचुआना के देहोरा गांव में अत्री के समर्थन में विप्लव कुमार देव और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडौली पहुंचे। वहीं आने वाले गुरुवार को प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अचुआना में देवेंद्र अत्री के समर्थन में पहुंचने वाले हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने बातचीत की अचुआना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री से। अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज विप्लव कुमार देव भी आए थे आपके प्रचार में, क्या कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रीमान बिल्कुल विप्लव कुमार देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, और श्री मोहनलाल भडौली जी हमारे अध्यक्ष आए थे। यहाँ बैकवर्ड समाज की एक नुक्कड़ सभा थी, बहुत देखिए आप लोगों का उत्साह, और वो तो जनसभा थी, उसने तो जनसभा का रूप ले ही लिया। उसके बाद ये दूसरी सभा है, और विप्लव कुमार देव जी ने लोगों को जो मैसेज किया है उससे 100% यहाँ मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। सर, सीएम की भी रैली है, उसके क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री श्री नायब श्रीमान नायब सैनी जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल भडौली जी और श्री श्री कुलदीप बिश्नोई जी कल यहाँ उचाना में आएंगे, उनका स्वागत है। और आप देखिएगा हजारों की संख्या में लोग आएंगे, जन सैलाब होगा, और लोग उब चुके हैं पुराने लोगों से, और यहाँ बदलाव होगा, और हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। समय देने के लिए तो आप सुन रहे थे देवेंद्र अत्री, जो कि उचाना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। फिलहाल के लिए सोगी पिंटू के साथ उचाना से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।